गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी आर डूइंग द चैप्टर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा आज हमारा टॉपिक है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, व्हाट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? वर्कफोर्स तो हमने पढ़ लिया था, क्या था वर्कफोर्स? हाँ, पीपल्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स, दो वर्कर्स पढ़े थे ना हमने हायर्ड वर्कर्स में, कौन कौन से थे? कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर। कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स कौन से थे? जो कभी कभी काम करते हैं कैजुअली, ओकेजुअल, रेगुलरली, जो परमानेंट बेसिस पर इंगेज होते हैं। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स टेंड्स टू इंक्रीज। कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स का मतलब क्या है? व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स टेंड्स टू इंक्रीज। जब कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की परसेंटेज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, देन इट इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ऐसा क्यों होगा? लार्ज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इज फाउंड इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स ज्यादा देखने के लिए मिलती है, यही पढ़ा था हमने कल, है ना? रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है और अर्बन एरियाज में वेज एम्प्लॉयमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है। पीपल्स आर एंगेज इन देयर ओन फार्म्स एंड फील्ड एंड हार्डली जनरेट्स आउटपुट एडिशनली ऑल्सो क्रिएट डिस्गाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर वो अपने काम पर ही एंगेज होते हैं, अपनी ओन एक्टिविटीज पर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर एंगेज रहते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। व्हेन दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स, दे आर बीइंग एम्प्लॉयड एज कैजुअल वर्कर्स। जब वो माइग्रेशन की वजह से किस तरफ आएंगे? अर्बन एरियाज की तरफ आते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं? कैजुअल वर्कर्स, ठीक है? तो कैजुअल वर्कर्स की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल्स ऑफ द रूरल एरियाज व्हेन दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर ओन एरिया टू द अर्बन एरियाज। तो मेन फैक्टर जो हुआ वो क्या हुआ? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इस वजह से होता है क्योंकि रूरल एरियाज में हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने के लिए मिलता है, एडिशनल आउटपुट वो ज्यादा जनरेट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर एंगेज इन देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटीज विच इज मेनली फार्मिंग और एग्रीकल्चर विच लीड्स टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हेन दे स्टार्ट मूविंग, व्हेन दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर ओन एरिया, दैट इज फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, दे आर एम्प्लॉयड एज कैजुअल वर्कर्स। तो कैसे इंप्लॉयड हो जाते हैं? कैजुअल वर्कर्स की फॉर्म में एंगेज हो जाते हैं। और जब वो कैजुअल वर्कर्स बनते हैं तो कैजुअल वर्कर्स का जो परसेंटेज होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, दैट मींस कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देन नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है? वर्कफोर्स हमें बताइए एक्चुअली वर्किंग पीपल है ना, ये पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो व्हेन वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर्स टेंड्स टू डिक्लाइन एंड वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू इंक्रीज। समझ गए? इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन वर्कफोर्स इन द
formal sector tends to decline and in informal sector tends to rise. जब informal sector में workforce की percentage बढ़ने लगे, workforce informal sector में बढ़ने लगे और formal sector में कम होने लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? Informalization of workforce. तो दो topic है हमारे पास, casualization और informalization. Casualization का मतलब क्या है? जब casual workforce की percentage बढ़ जाती है. Informalization का मतलब क्या है? जब workforce informal sector में बढ़ता है as compared to the formal sector. सेक्टर्स अब हमारे पास दो होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल. पढ़े हैं पहले? नहीं पढ़े? एम्प्लॉयमेंट हमारे पास दो तरह से आएगा, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर से. फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कह सकते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कह सकते हैं. अब फॉर्मल सेक्टर कौन सा होगा? ऑल दोज पब्लिक एंटरप्राइजेस या ऑल दोज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस और it includes all those private sector enterprises in which the number of employed persons are 10 or more. Wo sabhi organizations, whether they are government or private, government ya fir private organizations, which employ 10 or more than 10 workers. Yeah, in any organization in which the number of workers is 10 or more than 10, then it is known as formal sector. कोई भी ऐसी organization जहां पर 10 या 10 से ज्यादा persons लोग काम करते होंगे, workers काम करते होंगे, तो वो कौन सा sector होगा हमारा? Formal sector, जिसे हम organized sector के नाम से भी जानते हैं. वर्कर्स वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर, जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं उन्हें हम फॉर्मल वर्कर्स कहते हैं. ठीक है, जनरली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और यहाँ पर परमानेंट जॉब्स होती हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं. मतलब एम्प्लॉय लॉज होते हैं उनके, जिनके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, वेरियस लेबर लॉज. ठीक है, देन इनफॉर्मल सेक्टर, ऑल दोज एस्टेब्लिशमेंट इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस देन 10. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स. ठीक है, कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर काम करने वाले लोगों की काउंटिंग कैसी होगी? लेस देन 10. या वर्कर्स लेस देन 10 आर एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट इज नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानते हैं एंड द वर्कर्स वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर आर नोन एज इनफॉर्मल वर्कर्स. These are the workers which are not entitled to any social security benefits or social security scheme. ये वो workers होते हैं क्योंकि जब इनकी jobs भी permanent नहीं होती है ना, तो इसका मतलब इन्हें social security benefits भी नहीं मिलते. So another one was difference. Formal workers को हम regular workers कह सकते हैं. Formal workers कौन से होते हैं हमारे? Regular workers यानी permanent वाले.
बट इनफॉर्मल वर्कर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स वो डेली वेजर्स हो सकते हैं जो काम डेली बेसिस पर करते हैं, जैसे मजदूर होते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं तो वो डेली वेजेस पर वर्क करते हैं, है ना, तो उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं नहीं, तो वो डेली अर्नर्स होते हैं या डेली वेजर्स होते हैं या कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कभी कभी काम करते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन इज फॉर्म बाय द वर्कर्स, किसने पूछा, ट्रेड यूनियन जो होती है वर्कर्स फॉर्म करते हैं, जैसे स्ट्राइक्स होती है ना उस फॉर्म में, वो ट्रेड यूनियन मतलब वर्कर्स की एक यूनियन जिसे हम ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल सेक्टर में होती है, जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं, जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं, when their demand are not going to be fulfilled, when the working conditions are not according to them, है ना, या when they are being exploited, तो अपनी union create कर लेते हैं और strike पे चले जाते हैं। Next topic हम पढ़ेंगे unemployment। अभी तक जो पढ़ रहे थे that was the concept of एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट था कि वर्कर्स कैसे हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, या वर्कफोर्स क्या होता है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स क्या होगा, रूरल और अर्बन के बेसिस पर हमने वर्कफोर्स को कैसे डिवाइड किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स के बेसिस पर डिवाइड किया है वर्क को हमने, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर हायर्ड हो सकते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, हायर्ड वर्कर्स कह दो, वेज एम्प्लॉयमेंट कह दो, ठीक है। दूसरा, मेल्स और फीमेल्स के बेसिस पर डिवाइड करा है रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है या जो वेज रेट इकोनॉमी में चल रहा है उस रेट पर वो सभी लोग जो काम करने के एबल हैं, मतलब काम कर सकते हैं, एंड दे आर विलिंग टू वर्क और काम करने की इच्छा भी रखते हैं, बट डू नॉट गेट वर्क दैट अर्न्स देम अ लिविंग, बट उन्हें काम ना मिले, दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ा भी था हमने मैक्रो में वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से काम ना करना, इनवॉलेंट्री जब वो तैयार होते हैं और उन्हें वर्क नहीं मिलता, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट that prevails in the economy, but they did not get work. तो हम ये कह सकते हैं situation when the people who are willing and able to work at the existing wage rate but do not get work, but उन्हें काम ना मिले, so that is known as unemployment. Clear है? पहले सुन चुके हो term. अब unemployed को categorize कर रहे हैं, first is rural unemployment. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है, द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज इन द रूरल एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट की वो सिचुएशन जो हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी? रूरल एरियाज में। कौन से एरियाज में? रूरल, यानी शहर वाले एरियाज में नहीं। फर्स्ट इज कौन से? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा हम नाम सुनते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, सबसे कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है, द मोस्ट कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट विच इज सीन इन द रूरल एरियाज इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क और डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क इज मोर देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर्स, अगर किसी काम को करने में
जितना एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उन वर्कर्स का, उससे ज्यादा लोग जुड़ जाएं उस काम को करने के लिए, तो देन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अराइजेस. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, इट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच वेन मोर पर्सन आर एंगेज इन डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क और इन डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स. किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जितने वर्कर्स की हमें एक्चुअली जरूरत है, जब उससे ज्यादा लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. Although the person, the worker seems to be employed. वो workers अपने आप को employed मान रहे होंगे, but actually they are unemployed. Actually वो unemployed होते हैं, क्यों? Because they does not contribute in any production activity. They does not contribute additionally. वो additionally contribute नहीं कर रहे हैं. Although the total productivity falls. Total productivity कैसी हो जाती है? Fall हो जाती है. Clear है? Then सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत होती है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज जस्ट बिकॉज ऑफ द सीजन. ठीक है, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, बिकॉज एग्रीकल्चर इज एन सीजनल एक्टिविटी. एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है? सीजनल. तो हम देखते भी हैं फार्मर्स को, व्हेन फार्मर्स आर इन द पीक सीजन. जब फार्मर पीक सीजन में होते हैं तो उन्हें क्या करनी पड़ते हैं, लेबर हायर करने पड़ते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को इंगेज करना पड़ता है, बट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. सो इट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. द अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज जस्ट बिकॉज ऑफ द सीजनल एक्टिविटी. सीजनल एक्टिविटी की वजह से. क्लियर. सेकेंड कैटेगराइजेशन है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट है हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट नाम से कुछ पता चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस इन द एजुकेटेड यूथ. एजुकेटेड यूथ कौन है? हम. एजुकेटेड यूथ कौन है? द यंग जनरेशन हु हैव द एजुकेशन, या द यंग जनरेशन हु हैव द डिग्रीज. यंग जनरेशन जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड यंग जनरेशन. तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जो देखी जाती है अमंग द एजुकेटेड यूथ, बिकॉज द डिग्री विच दे हैव डज नॉट रिक्वायर या डज नॉट मैच अकॉर्डिंग टू द स्किल्स. ठीक है, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ओपन होने के बाद भी वी डिड नॉट हैव द एप्रोप्रिएट एकेडमिक स्टैंडर्ड. वी डिड नॉट ऑफन प्रोवाइड द नॉलेज द एकेडमिक सेशंस दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस. हम अभी तक बच्चों को उस तरह की नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, हम उस तरह की स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं, या प्रैक्टिकली उन्हें अवेयर नहीं करा पा रहे हैं जिस तरह की नॉलेज उन्हें चाहिए इन गेटिंग द बेटर जॉब्स. ठीक है, तो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है, एजुकेशन सिस्टम हमारा, इसलिए हम कहते हैं कि वो डिग्री ओरिएंटेड है, नॉट द जॉब ओरिएंटेड. डिग्री तो बहुत सिंपली मिल जाती है, जैसे 12th की डिग्री मिल जाएगी अब, है ना, बट हम ये देखेंगे 12th वाले बच्चों के पास इस साल इतनी नॉलेज नहीं होगी, है ना, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है क्योंकि वो नॉलेज वो गेन नहीं कर पा रहे हैं, या जिस लेवल की नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, तो दे माइट बी द सफरर इन द फ्यूचर. तो ऐसा ही यहाँ पर है, अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है एजुकेटेड यूथ के अंदर. मे बी उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, बट दे डिड नॉट वर्क विद द एग्जिस्टिंग सैलरीज, है ना. हम देखते हैं MBAs जिन्होंने किए हुए हैं या इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, वो 10-10 5,000 की नौकरियां कर रहे हैं. उनके पास डिग्रीज तो है बट उनके पास उस लेवल की रिक्विजिट नॉलेज नहीं है. कुछ ऐसे होते हैं जो उस रेट पर वर्क करना ही पसंद नहीं करते, तो दैट कॉजेज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर है. देन इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which arises because of modern industrial development, which is based on adopting capital intensive technique and saves the labor intensive technique.
इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रीज आईटी सेक्टर्स हमारा इतना ग्रो कर चुका है जिसकी वजह से वी आर ऑफन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द लेबरर्स, है ना. ज्यादातर वर्क कौन कर देता है? मशीन्स. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर मोर कन्वीनियंट. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की वजह से लेबर इंटेंसिव टेक्निक कैसी हो गई है? कम. ऑल्दो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेनली अराइजेज इन द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है. दूसरा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी हमें देखने के लिए मिल रही है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन. When rural people tend to migrate towards the urban areas, they did not updated themselves with the updated technology. वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में अपडेट नहीं कर पाते. मशीन्स तो हैं, मशीन से वर्क तो करा रहे हैं, बट मशीन्स आर ऑफन रिक्वायर्स लेबर. मशीन आर ऑल्सो रिक्वायर्स वर्कर्स हु आर गोइंग टू ऑपरेट द मशीन्स. मशीन्स को कौन ऑपरेट करेगा? हम लोग ही करेंगे. अपने आप तो मशीन काम करना शुरू नहीं कर देगी ना. तो ऑपरेटर्स तो उनके लिए भी चाहिए, बट ऑपरेटर्स रिक्वायर्स टेक्निकल नो हाउ. ऑपरेटर्स को क्या होनी चाहिए? टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए. विच वर्कर्स आर लैकिंग, जो वर्कर्स के अंदर जिस चीज की कमी दिखाई देती है. तो दैट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जो काउंट अप हो जाती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से. क्लियर? देन सम कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ और तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास. फर्स्ट इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट विच कुड बी सीन इन द एज ऑफ 15 to 29 years. जो जनरली 15 years से 29 years तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है. ठीक है. इट कंसिस्ट बोथ ऑफ रूरल एरियाज एंड बोथ ऑफ अर्बन एरियाज. रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में देखने के लिए मिल जाती है. बट वेन वी फाइंड या वेन वी कंपेयर द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट टूवर्ड द एजुकेशन, तो मेनली एजुकेटेड पर्सन आर मोर. नहीं आया समझ में? जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हमें रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में देखने के लिए मिलती है. बट जब हम कंपेयर करते हैं उसे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन से, तो वी फाइंड दैट मोर एजुकेटेड पर्सन आर अनएम्प्लॉयड. तो एजुकेटेड के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिल रही है. ठीक है. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तो अलग है ही, वो तो परफेक्टली एजुकेटेड वालों की है. बट जब कंपेयर करते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड और रूरल और अर्बन दोनों से, तो वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट अप होते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जो प्रेजेंट जनरेशन है हमारी या जो यंग जनरेशन है, दे आर सिटिंग आइडल. वो आइडल बैठे हुए हैं और ज्यादातर उनमें ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं. ठीक है. देन विमेन अनएम्प्लॉयमेंट. Women unemployment is that unemployment in which women are does not having the opportunities to do work outside the home. When the restrictions are there, when they are restricted for doing the job. जब job के लिए उनके पास restrictions लग जाती है. कल हमने उसके causes पढ़े थे, reasons पढ़े थे ना. Individual decision नहीं ले पाते वो. Their decisions lack individuality. They often depends upon their family decisions. तो विमेन अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन द विमेन व्हेन देयर डिसीजंस आर रेस्ट्रिक्टेड, व्हेन दे आर नॉट अलाउड, व्हेन दे आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द विमेन बाय विच दे कैन नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम द होम फॉर डूइंग द जॉब. वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स आर देयर, वेरियस सोशल सेक्टर्स आर देयर. सोशल लेवल्स भी तो होते हैं हमारे, है ना. हमारे सोशल लेवल्स हमें परमिट नहीं करते, हमारा कल्चर हमें परमिट नहीं करता, या हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि जो हमें परमिट नहीं करती, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाती है. अनदर वाज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ
जॉब अपॉर्चुनिटी. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बिल्कुल ओपन है अनएम्प्लॉयमेंट, कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से अराइज हो रही है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड अप करा सके. नहीं आया समझ में? आ गया? इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? दे रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम एंड डिपेंड्स ऑन अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली. ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स पर डिपेंड अप रहते हैं. जब वो खुद अर्न नहीं कर पा रहे, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली मेंबर्स. ठीक है. देन वी हैव द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट पहले भी पढ़ा था, मैक्रो में पढ़ा था ना अंडर एम्प्लॉयमेंट, बट वहां पे हमने डिमांड और सप्लाई में पढ़ा था. वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट तो है या नहीं है? है. एम्प्लॉयमेंट तो है बट वो पूरी तरह से नहीं है. मतलब व्हेन अ वर्कर डज नॉट हैव द फुल टाइम जॉब. ठीक है. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन अ वर्कर डज नॉट हैव अ फुल टाइम जॉब. ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर. पूरे साल में कुछ महीने अनएम्प्लॉयड रहे, सम वीक्स इन अ मंथ, कुछ हफ्ते अनएम्प्लॉयड रहे एक मंथ में, या फॉर सम डेज इन अ वीक, या हफ्ते में कुछ दिन वो अनएम्प्लॉयड रहे. मीन्स अ वर्कर इज हैविंग द एम्प्लॉयमेंट. वर्कर के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वर्कर एम्प्लॉयड है, बट ही इज नॉट एम्प्लॉयड ऑन फुल टाइम बेसिस. वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है. इट इज जनरली विजिबल इन नेचर. ये हमें देखने के लिए भी मिल जाती है, मतलब दिखाई देती है कि जब वो काम नहीं करेगा, जब उसके पास फुल टाइम जॉब ही नहीं है, तो विजिबल होगी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे, इफ अ वर्कर इज वर्किंग 28 आवर्स इन अ वीक. नेशनल सैंपल सर्वे याद है, NSSO. नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कहा है, इफ अ वर्कर इज वर्किंग 28 आवर्स इन अ वीक, अगर कोई वर्कर 28 आवर्स एक हफ्ते में काम कर रहा है, देन ही इज कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड. देन ही इज कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड. 7 डेज इन अ वीक और 28 आवर्स की बात कर रहे हैं. अगर हम 28 आवर्स की बात करें इन अ वीक और 7 डेज इन अ वीक, दैट मींस ही इज वर्किंग 4 आवर्स इन अ वीक. क्या वो सफिशियंट है? नहीं, वो सफिशियंट नहीं है. Then he is categorized as extremely underemployed. बहुत ज्यादा underemployed है वो. But if a worker is working between 29 hours to 42 hours, then he is categorized as limited underemployed. अगर वो 29 hours से 42 hours तक जा रहा है, then limited underemployed. फिर वो limited underemployed है. तो इसका मतलब जो वर्कर 42 आवर भी काम कर रहा होगा, वो भी पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, है ना? कैसे? दैट मीन्स 6 आवर, तो 6 घंटे वाला भी तो नहीं है ना. जनरली हम मानकर चलते हैं 8 आवर इन अ डे, 8 घंटे की नौकरी. ठीक है. देन अनदर वी हैव स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी पढ़ा है, मैक्रो में पढ़ा था. फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल याद है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक वर्कर्स एंड द सप्लाई ऑफ द वर्कर्स. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी अपडेटेड होती जाएगी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी, तो वी डिमांड स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स. हमें स्पेसिफिक वर्कर्स की जरूरत होगी एंड वी डिमांड स्किल्ड वर्कर्स, है ना. दोज हू हैव द एप्रोप्रिएट स्किल्स, दोज हू हैव द स्पेसिफिक नॉलेज विल गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट दोज हू लैक्स इट, जिनके पास उनकी कमी होगी,
तो उनकी तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी ना, दैट कॉज टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन. स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स की जरूरत होती है और हमारे पास कैसे पर्सन है, अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उनके पास उस तरह की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती. क्लियर है? देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट याद है, इट इज द टाइम पीरियड व्हेन अ वर्कर लीव्स वन जॉब एंड जॉइंस द अदर जॉब. जब वर्कर एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ जाता है, द टाइम पीरियड इन विच ही और शी रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिटवीन द टू जॉब, दो जॉब के बीच में जितने टाइम पीरियड वो अनएम्प्लॉयड रहा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्दो इट इज नॉट काउंटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट. ये अनएम्प्लॉयमेंट में काउंटअप नहीं हो पाती. हम तो ये मानकर चलते हैं ना कि हम तो अनएम्प्लॉयड हैं, 10 दिन तो खाली बैठे या 20 दिन ही तो खाली बैठे, बट वो 10 दिन और 20 दिन क्या है, अनएम्प्लॉयड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, एक जॉब छोड़कर जब पर्सन दूसरी जॉब की तरफ जाता है तो उन दोनों जॉब के बीच में जितने दिन वो खाली रहता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर? देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, चेंज होना. साइक्लिकल, यस, जो हमारी साइकिल होती है, इकोनॉमिक साइकिल जो होती है, जब उसमें चेंजेस आते हैं, मीन्स सच एज द सिचुएशन ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, बूम सिचुएशंस, है ना, हमारे पास हर चीज का फेज होता है ना. अब कैसी सिचुएशन चल रही है, रिसेशन चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है. तो वी हैव कुड ऑफन सीन दैट मेनी ऑफ द पर्सन इन अवर फैमिली टू रिमेन्स अनएम्प्लॉयड और लॉस्ट देयर जॉब. तो दैट इज द सिचुएशन. साइक्लिकल चेंज ऐसा आ गया ना, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हुआ ना हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से क्या अराइज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो गई. साइक्लिकल अराइज नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो गई. ठीक है, साइकिल तो चल ही रही है, एक प्रोसेस, एक ईयर का साइकिल जो चल रहा है, ये इकोनॉमिक साइकिल जो चल रही है, उसकी वजह से क्या हो गया, फ्लक्चुएशंस आए उस साइकिल में, सिचुएशंस ऐसी बनी, वो एडवर्स भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं. बट अनएम्प्लॉयमेंट तो तब अराइज होगी ना जब वो एडवर्स होगी, पॉजिटिव होती तो क्या होती, एम्प्लॉयमेंट अराइज होती. एडवर्स सिचुएशन जब हो गई, एडवर्स फ्लक्चुएशंस जब आए, तो उसकी वजह से क्या अराइज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो गई. ठीक है, सच एज द सिचुएशन ऑफ, कौन सी हो सकती है सिचुएशन, रिसेशन, डिप्रेशन. डिप्रेशन कैसी सिचुएशन होती है, जब हमारी मार्केट स्लो डाउन हो जाती है. ठीक है, रिसेशन या रिकवरी की सिचुएशन. तो जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आया एक, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ऑब्वियसली हुई है. ठीक है, ड्यूरिंग सच सिचुएशन इनकम लेवल टेंड्स टू फॉल, विच कॉजेज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लीड्स टू अ कट इन प्रोडक्शन एंड आउटपुट, कॉजेज अ रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट. ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर इनकम लेवल कम हो जाता है. इनकम लेवल कम हुआ, अब जो हमने देखा प्रेजेंट कॉज, वो भी तो यही था, हमारा इनकम लेवल कम हो गया था, बिजनेसमैन के पास इनकम सोर्स क्या हो गया था, निल हो गया. जब उनके पास इनकम सोर्स निल हो गया, तो हाउ दे